क्या लड़कों का आईक्यू लड़कियों से ज्यादा होता है? क्या लड़के ज्यादा बीमार पड़ते हैं? और क्या भूख भी लड़कों को ही ज्यादा लगती है? दरअसल दोस्तों, न्यूरो साइंस ने लड़कों के दिमाग को स्कैन करके इन सभी रहस्यों से पर्दा हटा दिया है। आज की ये इंटरेस्टिंग बातें बड़ी हैरान कर देने वाली तो है ही, लेकिन उसके साथ ये आपके बड़े काम की भी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स अबाउट मेल्स बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस स्टडीज। सो फिलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर वन, मेंस इंपल्सिव नेचर। दोस्तों, कब कौन किस बात पर क्रोधित हो जाए ये जानना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जब तुलना एक मेल और फीमेल के बीच में हो तो काफी हद तक लड़के इस रेस में आगे निकल जाते हैं। यानी कि लड़कियों के मुकाबले इनका नेचर 3 गुना ज्यादा इंपल्सिव होता है। लेकिन क्या हो अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों किसी चीज का नशा कर लें, जैसे कि सिगरेट या शराब या जो भी। ऐसे में दोस्तों, एक कमाल ये होता है कि लड़कियां तब लड़कों से भी ज्यादा इम्पल्सिव हो जाती हैं। यानी कि नशा चढ़ते ही लड़कियों का कंट्रोल अपने इम्पल्स या कह लें इमोशन पर कम हो जाता है लड़कों के मुकाबले। वैसे इस बात से ये तो पता चल रहा है कि लड़के और लड़कियों का दिमाग अलग अलग तरीके से गुस्से को हैंडल करते हैं, और साथ में ये भी स्पष्ट हो रहा है कि नशे का प्रभाव लड़कियों पे कुछ ज्यादा ही होता है। नंबर दो, हु इज मोर पावरफुल। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक मेल और फीमेल में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? हालांकि इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 4 या 5 साल के बच्चों के मुताबिक लड़के ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जी हाँ, दरअसल इस मुद्दे को लेकर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में 4 से 5 साल के बच्चों पर एक स्टडी हुई, जिसमें बच्चों को एक फीमेल और मेल की फोटो दिखाकर ये पूछ लिया गया कि बताओ भैया, इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है। बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक मेल की फोटो को ज्यादा ताकतवर घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, दूसरी स्टडी में जब 2 पपेट को लाया गया जिसमें एक पपेट के पास पैसे थे और दूसरे के पास नहीं थे, तब बच्चों ने पैसे वाले पपेट को मेल कहा और बिन पैसे वाले को फीमेल। वैसे दोस्तों, बच्चे तो नादान हैं, उनकी बातों को क्या ही कहें, लेकिन ये बात तो तय है कि ये मासूम बच्चे बचपन से ही समाज के द्वारा बनाए गए जेंडर हायरार्की को समझ जाते हैं। नंबर 3, मेंस फियर ऑफ डॉक्टर। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेल और फीमेल में कौन ज्यादा बीमार होता होगा? वैसे हेल्थ इशू का सामना तो लड़के और लड़कियां लगभग बराबर ही करते हैं, लेकिन बात जब डॉक्टर से कंसल्ट करने की हो तो लड़के इस रेस में बहुत पीछे हो जाते हैं। जी हाँ, दरअसल कई सर्वे में ये देखा गया है कि मेल डॉक्टर्स के पास जाने से बड़ा ही घबराते हैं। ये ना तो डॉक्टर से जल्दी मिलते हैं और ना ही उनके सामने अपनी तकलीफों को सही से व्यक्त कर पाते हैं। इनफैक्ट जब तक इनके प्रॉब्लम काफी बड़ी ना हो जाए, ये तब तक डॉक्टर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखते। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़के पैसा बचाने के लिए ऐसा करते हैं, बल्कि असली वजह तो उनकी मैस्कुलिनिटी यानी कि मर्दानगी का वहम है। जी हाँ, दरअसल बचपन से लड़कों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि लड़के बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए दूसरों की हेल्प लेना इन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और रोना तो वैसे भी लड़कियों का काम है, वगैरह वगैरह। हो सकता है कि दोस्तों आपको ये काफी मजेदार लगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसी सोच लड़कों की लाइफ को कई बार तकलीफों से भर देती है। इनफैक्ट अपनी इस लापरवाही से कई मेल प्रति वर्ष अपनी जान भी गंवा देते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप मेल हैं तो प्लीज डॉक्टरों से दूर मत भागिए। याद रखिए कि एक लड़का होने से पहले आप एक इंसान हैं और आपको भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4, हु हैज मोर आईक्यू। दोस्तों, एक स्टडी हुई इस मुद्दे पे कि भैया किसका आईक्यू ज्यादा है, एक मेल का या फिर एक फीमेल का। यहाँ पे मौजूद लड़के और लड़कियों को ये बता दिया गया कि भैया दुनिया का एवरेज आईक्यू है 100, और लगभग 66% लोगों का आईक्यू 85 से 115 के बीच लाई करता है। इसलिए अब बताइए कि इस हिसाब से आपका आईक्यू कितना होना चाहिए। वहाँ के लड़के तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझ रहे थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपना आईक्यू एक्चुअल से भी ज्यादा बता दिया। लेकिन जब बारी लड़कियों की आई तो उन्होंने खुद को काफी अंडर एस्टिमेट किया और खुद के आईक्यू का अंदाजा एक्चुअल से कम लगाया। यानी बचपन से मिल रहे पेरेंट्स और लोगों के कॉम्प्लीमेंट हमें बड़ा ही प्रभावित करते हैं, और क्योंकि मेल्स को लोग ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं और फीमेल्स को कम, इसलिए ज्यादातर केसेस में लड़कों का सेल्फ एस्टीम आपको लड़कियों से ज्यादा दिख जाएगा। वैसे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ज्यादातर फीमेल अक्सर स्कूल या कॉलेज में कोई मुश्किल सब्जेक्ट जल्दी नहीं लेती, क्योंकि उन्हें अपने इंटेलिजेंस पे बड़ा ही डाउट होता है। नंबर 5, सन एक्सपोजर एंड हंगर।
दोस्तों इस बात पर अक्सर ये डिबेट होता है कि ज्यादा खाना कौन खाता है, लड़के या फिर लड़कियां। हालांकि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ अगर बात सनलाइट में घूमने या रहने की हो तो लड़कों को ज्यादा भूख जरूर लग सकती है। जी हाँ, इसराइल में तकरीबन 3000 मेल्स और फीमेल्स पर एक स्टडी हुई और इसमें ऑब्जर्व किया गया कि देर तक धूप में रहने पर लड़के लड़कियों के मुकाबले ज्यादा भोजन ग्रहण करने लगे। रिसर्चर्स की माने तो सनलाइट लड़कों में P53 नाम के एक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसका सीधा रिश्ता भूख बढ़ाने वाले हार्मोन से होता है। लेकिन एक मिनट, ये लोचा लड़कियों में फिर क्यों नहीं होता? दरअसल बात यह है ना कि फीमेल्स में काफी ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जो कि P53 प्रोटीन को भूख बढ़ाने ही नहीं देता, और इसी वजह से महिलाओं की भूख में धूप का असर ना के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप एक मेल हैं तो धूप में ट्रेवल करने से पहले कुछ खाने को अपने पास जरूर रख लीजिए। नंबर 6, मेंस फेक मैस्कुलिनिटी। दोस्तों अगर आपकी मर्दानगी या कहले मैस्कुलिनिटी पर कोई डाउट करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत गुस्सा आएगा या फिर आप इसे इग्नोर कर देंगे? दरअसल इस मुद्दे पे ना एक स्टडी हुई, इसमें 18 से 56 एज के लड़कों का एक टेस्ट लेने के बाद उनके मुंह पर ही ये बोल दिया गया कि भैया तुम्हारी मैस्कुलिनिटी बाकी लोगों के मुकाबले बड़ी ही कमजोर है। इसके बाद रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि ये लड़के अब कैसा फील कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शब्दों का एक छोटा सा गेम खेला और 2 लेटर लिखकर कहा कि भैया इससे एक वर्ड बना दो जल्दी। जैसे कि उन्होंने KI लिख दिया और जिन लड़कों को अपनी मर्दानगी वाली बात बड़ी बुरी लगी थी उन्होंने KI से किल बना दिया, जबकि KI से किस भी हो सकता था वैसे। और इसी तरह BL लिखने पर इन्होंने ब्लड बना दिया, जबकि BL से ब्लो या ब्लू भी हो सकता था। देख रहे हो ना इनका गुस्सा। दरअसल दोस्तों इन लड़कों को ना ये बात बड़ी बुरी लग गई थी कि कोई इनकी मर्दानगी पर डाउट कर रहा है। वो तो इनकी मजबूरी थी कि ये वहाँ कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने शब्दों के थ्रू ही अपना गुस्सा निकाल दिया। और अच्छा ये भी ठीक ही था, लेकिन घर जाने के बाद ये भी पता चला कि कुछ लोग वापस रिसर्चर्स को फोन करके काफी अपशब्द कह रहे थे, यहाँ तक कि उनको मारने की धमकी भी दे रहे थे। वैसे दोस्तों मैं भी अगर आपको कुछ ऐसा ही कह के SH 2 लेटर दे दूं तो आप कौन सा वर्ड बनाएंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। और आप ऐसे न्यूरो साइंस पे आधारित वीडियोस को 10 में से कितना नंबर देंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।